सलाम हो तारीख के हर दौर में कामयाब मजलूमों पर, सलाम आरिफ हुसैन अल हुसैनी पर, सलाम डॉक्टर मोहम्मद अली पर, सलाम मौलाना हसन तुराबी पर और सलाम मुजफ्फर किरमानी पर और दुरूद ओ सलाम सैयद शोहदा अलैहि सलाम और आपके जानिसारों पर। सलाम आशूरा के हकीकी फर्जंद हुमैनी व शिकर और आपके शहीद राहे विलायत मुजाहिद अजीज सैयद सालिह हुसैन काजी पर। आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि उस मजलूम इंसान की याद मना सके जो अब व्यवस्था हक हो चुका है, उसके बारे में गुफ्तगू करें जो अब खामोश हो चुका है, उस शख्स से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करें जो अपनी तमाम कर जिंदगी तकलीफों का शिकार रहा, जिसने इस सीने मुबारक पर दर्दों और अब से पुर कर दिया गया, जिसको तकालीफ पहुंचाई गई, जिस पर तर्स के तीर बरसाए गए, जिस पर तोहमतें लगाई गई, लेकिन इन तमाम शर्मनाक हरकत के जवाब में वो हमेशा खैर और दुआओं का दर्श देते रहे। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि ज़ुर्रियत हुसैन के फर्ज़ंद के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश कर सकूँ, जो इत्तेहाद की खातिर इस्लाम की दुश्मनों और तशय्यों की खातिर बड़ी ताकतों और इस्तेमाली एजेंटों के सामने सीने सिमर हो चुका था। ए आशिकान हुसैनी, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ शिकवा और शिकायत कर और उस जुल्म सदा को बयान कर जो हमने उस मजलूम इंसान पर रवा रखी, और मैं यहाँ इसलिए भी नहीं आई हूँ कि इस शर्माक तारीख को दरा जो हमारे हाथों रखूं। आपकी कोशिश होती थी कि हर मजलूम की फरियाद करने से पहले उसका मसला हल हो जाए, आप हर शहीद के जनाजे में शिरकत करके पहले उसे सादा देने की फिक्र में लगे रहते थे, आप शहीदों के जनाजों की रौनक थे, आप इबादत गुजार और जुल्म के मुकाबले में ना थकने वाले मुजाहिद थे, आप पर चपर इफ्तिखार तौहीद के जेर साया एहकाम इलाही को बुलंद करना चाहते थे, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे खवास और हमारे नादान दोस्त इस बात पर मुस्तहिद हो गए थे कि इस मजलूम इंसान के खिलाफ अरब बगावत को बुलंद करें ताकि इस खुदाई आवाज को और सदाए हक को दबाया जा सके, और फिर ऐसा ही हुआ, सुफियानी सियासत जीत गई और मुजाहिद इस्लाम साजिद कासमी आलूदा खून हुआ। ए मेरी माँ बहनों भाइयों, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि बताऊँ कि जो नियमत हमारे हाथों जाया हुई उसकी कदर मंजिलत क्या थी, पैगाम आशूरा को जिंदा किया और अपने पाक हुक्म से दास्तान इश्क रचन। ए मेरे मासूम भाई, आप चाहते थे कि ये मिल्लत इंकलाब इस्लामी से वाबस्ता हो जाए जैसे कुरान इज्जत के साथ वाबस्ता, आप चाहते थे कि परचम विलायत सरबुलंद और इस्लाम और कश्मीर सरफराज हो सके, और इस मुकद्दस परचम के मद्दे मुकाबले जो भी परचम आए उसकी नफी की जा सके, मसलहत और मुनाफिकत का लाइलाज मर्ज बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोग जानबूझ कर और मुकम्मल इरादे के साथ इस कौम मजलूमों की इज्जत और आबरू को नीलाम करना चाहते हैं और अपने फसल व फसाद के खाते पूरी मिल्लत को जालिम के सामने सजदे रेज़ नाहिकों की साजिशें हैं
बेगुनाहों के फूट से मस्जिदें और इमामबाड़ों को रंगीन किया जा रहा है। आज हमें बसों वैगनों से उतार कर शनाख्त करके शहीद किया जा रहा है। आज गिलगित, बल्तिस्तान, पारा चनार, हंगू के पहाड़ों से बहता हुआ लहू हमसे फरियाद कर रहा है कि कहाँ है कायले रेसाने को, कहाँ है इंकलाबियत का दर्श देने वाले, कहाँ है जुल्म के खिलाफ हरावत दस्ते का किरदार अदा करने वाले, कहाँ है हिजबुल्ला की बातें करने वाले। लेकिन कोई नहीं जो फरियाद सुन सके, जो जुल्म की बातों को मुनकदा कर सके और हकीकी मायनों में अपनी जद्दोजहद कर सके। सिर्फ जाली नारों, अखबार और एहतजाजी रैली से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम सब ने मिलकर इत्तेहाद के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ सामना करना होगा, ताकि इस पाक वतन पर अमरीका और आले सऊद के जरहरीन दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके और इस खून को अमन का गहवारा बनाया जा सके। ए मेरे मजलूम भाई, मैं आज अहद करती हूँ कि मैं इस खूनी परचम को बुलंद करके ही लड़ूंगी, क्योंकि ए मेरे मजलूम भाई, तुमने ही तो कहा था कि परचम विलायत फकीर हमारा दीनी और दुनियावी निजात का जरिया है। और ये वही निजाम है कि जिसके साए में बड़ी ताकतों के खिलाफ आशिकाना जिहाद जारी रखा जा सकता है। मेरे भाई, मैं आज अहद करती हूँ कि इन तमाम हवादिस के बावजूद तेरी याद के साए मुनाफिकों, मसीहत पसंदों और जुल्म के खिलाफ डटे रहूंगी और परचमे विलायत और अपनी अहानी जिम्मेदारी को पूरा करूंगी, ताकि कल खुदा की हुजूर शर्मिंदा ना हो सके। ऐ मेरे मजलूम भाई, आप पर एक मजलूम बहन का सफर, आपका सफर कितना ताकतवर रहा है। आप वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंच सके, आपने वो पा लिया जो कोई ना पा सके। सलाम हो आप पर ऐ मेरे भाई, आपको अपने खुदा और अपने अहले बैत की पाक मेहमानी मुबारक हो। सलाम हो आप पर और आपके पाक अजदाद। سيد الأولين والآخرين.